पाकिस्तान ने छिड़ा है कश्मीर राग। यूएन में पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बयान दिया, ये कहा कि भारत की आक्रामकता का जवाब हम देंगे। आज रात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को जवाब देने वाले हैं, और उससे पहले शहबाज शरीफ का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर राग छेड़ा है और पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, जो कि भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए, और आज ही रात चुकी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले हैं, उससे पहले एक तरीके से फड़फड़ाने का काम पाकिस्तान ने किया है। यूएन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आक्रामकता का जवाब देने की बात कही है। ये कहा है कि भारत लगातार हम पर हमले कर रहा है और इन हमलों का जवाब हम उसी तैयारी के साथ में देंगे। कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपना रोना रो चुका है, कश्मीर का राग छेड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर से राग छेड़ा, पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी और कश्मीर को लेकर शहबाज शरीफ का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा है कि भारत की आक्रामकता का जवाब हम देंगे। इधर तैयारी भारत की है, भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन सभी आरोपों का जवाब देने वाले हैं, साथ ही साथ भारत को करारा जवाब भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए दिया जाएगा। इससे पहले भी जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा है, तब तब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। ऐसा एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा, जहां पाकिस्तान मुंह की खाएगा। आज ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया जाना है। आगे बढ़ेंगे, खबर अब देश की राज